नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुड़िया देवी पत्नी राकेश कुमार कॉल के साथ बड़ी घटना। जी हां दोस्तों, ग्राम सभा सुरैचा पोस्ट सिलौदी थाना खिरी कोरा प्रयागराज की रहने वाली गुड़िया देवी पत्नी राकेश कुमार कॉल की निर्गम हत्या, गला दबाकर हत्या की गई। हत्या करने वाला रमाकांत उर्फ पप्पू पुत्र बेचन लाल पटेल ग्राम सुरैचा पोस्ट सिलौदी थाना खिरी कोरा प्रयागराज का रहने वाला है। गुड़िया देवी के पति द्वारा बताया गया कि हमारी पत्नी दिनांक 2/3/2022 को पिंटू कॉल के कहने पर कोराव गई थी। शाम देर को वापस न आने पर राकेश कुमार कॉल ने पिंटू से बाय फोन बात किया। पिंटू ने कहा उसको कराव से गाड़ी बिठा दी गई है, वह घर वापस चली गई। रात भर वापस न आने पर सुबह पता चला कि गुड़िया देवी की लाश सुभाष माइनर पर पड़ी हुई थी। लोगों को सूचना मिलते ही जा करके देखा तो सत्य पाया गया। गुड़िया देवी के मायके पता चला गुड़िया के भाई अमरनाथ पुत्र रामदयाल ग्राम मोजरा मिश्रा छापर खीरी थाना प्रयागराज द्वारा 3/3/2022 को थाना अध्यक्ष कराव को प्रार्थना पत्र द्वारा जानकारी दी गई। हत्यारा रमाकांत और पप्पू पटेल को थाना अध्यक्ष कराव ने तत्काल हिरासत में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, ब्रिजलाल चौधरी की रिपोर्ट। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा, किस गांव के हैं आप? सुरैचा। सुरैचा के। ये जो वारदात हुआ है इस औरत के साथ में, आपकी कौन है? हमारी पत्नी। अच्छा, आपके पिता का क्या नाम है? शिवजय। ये कैसे मैटर हुआ, आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? हम गए थे काम पे। जी, काम पे गए, हमें 11 बजे फ़ोन लगाए कि हम पिंटू भैया फ़ोन लगाए कि कहा था कि चलिए वो कोराव बाज़ार जाएगी। जी, उसके बाद वहाँ चली गए। पिंटू कौन है? पिंटू दुश्मन है। अरे किस गांव के है, किस जाति का है? अपना ही जात है, कोल है। अच्छा, सेहरा गौरा का रहने वाला है। जी जी, तो फिर क्या हुआ? फिर वहाँ चली गई, तो उसके बाद हम फ़ोन लगाया तो हम कहाँ है, तो कहे कि कोराव में है। जी, उसके बाद कहे हमका फ़ोन कहा उठा, कहें कि अब भीड़ लगी रही, सोनार दुकानें बैठी है। जी, तो वहाँ से फिर उठ के बाहर है तो बात करें। जी, उसके बाद फिर रख दी। फिर उनके लगे फ़ोन लगा, कहें कि हम कोराव बाज़ार में है, मेहमान घोड़े गिरे थे कोराव में है, हमें एक दो घंटा में खाली हो गए। वो जो आपको मेहमान कह रहा था, तो कौन सा आदमी है? वो पिंटू। पिंटू तो आपका रिश्ते में कौन लगता है? साला लगता है। साला है तो निजी है कि कोई कहीं से? हमारे मौसी के लड़के का साला है। अच्छा, तो उसका तो भाई लगता है। हाँ भाई, तभी तो धोखा कर गया ना। जी, आपका क्या विश्वास है कि वही उसी के द्वारा धोखा हुआ है कि? हाँ, उसी के साथ धोखा हुआ है। जी, उन्हीं ने धोखा किया है। हाँ, उन्हीं ने धोखा किया, नहीं तो उसको मारने वाला कोई नहीं है। जी जी, ठीक है। तो फिर आपको कैसे पता वो औरत से आप बात किया? हाँ, फिर वहाँ से कोराव से फ़ोन लगाया कि हम चल दे है 3:30 के लगभग। जी, चल दे है कोराव से, हम आवत है सुहास रतौरा मोड़ वाली रोड पे, वहाँ उतरब। जी, और उसके बाद फिर बिल्कुल तरह से आओ, तो हम कहा कि तय चली जाए धीरे धीरे, हम नहीं आए तो। अच्छा, ये जानकारी जैसे वो फ़ोन किया, आप घर पे नहीं थे, तो आपको एक दिन दो दिन आगे पीछे कुछ उसके बारे में जानकारी थी? उसके बारे में ये जानकारी थी कि पिंटू भैया हिंदी के बुलाए हैं कि वो गहना छुड़वा। अच्छा, गहना गहन रखा गया था क्या? हाँ, उसका गहना रखा गया था, पिंटू का। पिंटू का? हाँ। अच्छा, आपके पत्नी का नहीं? नहीं, मेरे पत्नी का नहीं। जी, तो इनको बुलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या यही वो अक्सर थी क्या? पहले गए थे वहाँ। जी, 4 से 10 दिन पहले। जी, कि हमारे आएंगे, हमारे लड़की का मुंडन है। जी, उसी दिन। जी, 2 तारीख के। तो फिर वहाँ से आकर अपना सामान ले जाएंगे, उसके बाद। हाँ बोलिए भैया, क्या नाम है आपका? हमारा राकेश कुमार। हाँ, क्या आप बोलना चाहते थे बताइए। हमें बोलना चाहते, आप बिल्कुल खुल के बताइए। हमें बोलना चाहते हैं कि हमारे रिश्तेदार पिंटू ने फ़ोन किया। जी, फ़ोन करके उसको बोला कि हम आ रहे हैं दीदिया, तुम आओ, हम कोराव बाज़ार चलना। जी, तो वहाँ बुला कर गया। जी, बुला के गया, अपना सारा सामान लिया। उसके बाद वहाँ से फिर बोला कि गाड़ी बैठा दिया। जी, गाड़ी बैठा दिया हूँ, घर के लिए जा रही है। जी, तो वहाँ से आई, रास्ते में वो जब चली तो वहाँ उतरी तो पप्पू पटेल और रमाकांत, बाप का नाम बेचन लाल। जी, और वहाँ हम गए तो
अपहरण कर लिया, बलात्कार उसका किया। आप गए तो बलात्कार कर लिया, कैसे आपको मालूम हुआ कि आपके सामने बलात्कार कर नहीं, लिया सामने नहीं किया गए तब तो कैसे मालूम हुआ कि बलात्कार कर लिए? गांव एक आदमी गया था समोसा बनाने, वो गांव में आकर बताया कि हम काम पे थे जी, काम पर थे और वहाँ अंदर उसके बाद सबसे बताया, तो उसके बाद हम सोचा कि हो सकता है कल वो नहीं जाए, हो सकता है उसी के नाम मर्डर हो गया। तो हम गए तो देखा तो गांव वाले सब जुटे थे गए देखा तो वही थी जी, हमारी पत्नी थी गुड़िया जी। नहीं तो आपको कैसे मालूम हो रहा है भाई कि किसी के कहने पर कि उसका बलात्कार हुआ है? आप तो बोल रहे थे कि वहाँ मिट्टी पड़ी थी, हमने गया देखा तो भाई गया देखा तो पूरा उघाड़ था। हाँ उघाड़ था, हाँ नंगे जंगी थी जी, और वहाँ खून भी गिरा था। हाँ मतलब उसकी बॉडी देख करके आप? हाँ बॉडी देख के। लेकिन आप ये तो नहीं देखा मौके पर कि नहीं, ये नहीं देखा। और कौन कौन नहीं, ये नहीं देखा। ये किसी के कहने पर आपको आभास हो रहा है? नहीं हमारी पुरानी दुश्मनी थी। अच्छा हाँ तो ऐसे बताइए, हमारी पुरानी दुश्मनी थी कि वो बोला था कि हम जान से उसको मार डालेंगे। थाने में भी धमकी दिया था, थाने में भी धमकी दिया था हम उनके चाचा द्वारा बताया गया है। बोलिए हाँ, क्या दुश्मनी थी कि इस तरह से इतना बड़ा कांड हुआ है आपके साथ में? दुश्मनी ये थी कि हम उसके काम धंधा पहले करते थे जी, और हम उसके यहाँ खेत वाले थे, वो 5 बीघे लेना गया तो जबरदस्ती काट लिया, हम कुछ नहीं कर पाए, बड़ा आदमी था तो हम नहीं कर पाए। तो जब उसे पैसा हम ले लिए अपना कुछ, तो सोचा कि हमसे आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो सोचा कि अब ये और फिर पड़ गया दूसरे चक्कर में कभी इसकी इज्जत बिज्जत करेंगे। हाँ। तो हमारी पत्नी उसके काबू में नहीं आई। अच्छा नहीं आए तो वो यही उड़ाने लगा कि। इस अंक में फिलहाल इतना ही, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्टार 7 TV न्यूज़ के साथ।